भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन का महीना, जिसे लोग एक महीना नहीं समझते बल्कि इसे एक पर्व मनाते हैं। जी हाँ, सावन के महीने चारों ओर शिव की जय जयकार होती है। शिव की पूजा अर्चना में पूरी तरह से भक्त जो हैं वो डूब जाते हैं। तरह तरह के प्रयास आदि करते हैं कि कैसे महादेव को प्रसन्न किया जाए, भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए, भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त किया जाए। यूं तो महादेव जो हैं वो बहुत ही भोले हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से महादेव के शिवलिंग पर केवल एकमात्र लोटा जल अर्पित कर दिया जाए तो महादेव जो हैं वो उनकी सभी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो सबसे पहले आपका मन जो है वो साफ होना चाहिए। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट ना हो। जी हाँ, जिन लोगों के मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता, महादेव उनकी अर्चना को बहुत ही जल्दी सुनते हैं। अब जब ये सावन का महीना जा रहा है, जी हाँ, राखी के त्यौहार के साथ सावन के महीने का अंत हो जाएगा। ऐसे में भोलेनाथ ने जाते जाते एक कुछ राशियों के ऊपर पैसों की बारिश कर दी है। कौन सी है वो राशि, वो आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल भोलेनाथ की कृपा से अब इन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का पूरा सहयोग मिलने वाला है। साथ ही मनचाहे काम में सफलता भी मिलेगी, कामकाज का अच्छा फायदा होगा। घर परिवार के बुजुर्गों की सलाह जो है वो अब आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। चलिए अब आपको बिना देर किए हुए उन राशियों के बारे में भी बता देते हैं जिनका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। तो वो राशियां हैं मेष, कर्क और तुला। इसी तरह रोजाना अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।